कोविड-19 जिसने पूरे देश में तहलका मचा रखा है, कई जगह संदिग्ध पाए जा रहे हैं और अभी तक 101 देश से ज्यादा पर यह कहर बरपा चुका है। जैसे कि कोरोना अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनकर आया है, लगातार अमेरिका के ऊपर संकट मंडरा रहा है। भारत में लगभग 2 से 2,500 केस रोज आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, लेकिन अमेरिका में इतने लोग एक दिन में मर रहे हैं। जी हाँ, कोरोना के चलते अमेरिका में 2 से 2,500 लोग रोज मर रहे हैं। और इसके बाद अब बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप के निजी सहायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की भी जांच हुई है, रिपोर्ट का इंतजार है। दुनिया में कोरोना संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का निजी सहायक कोरोना संक्रमित पाया गया है। अमेरिकी नौसेना में कार्यरत इस सहायक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब खतरा बढ़ गया है, क्योंकि उनके संपर्क में राष्ट्रपति ट्रंप भी आए थे। डॉक्टर ने उनका तुरंत टेस्ट किया है जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट थी नेगेटिव आई है, लेकिन डॉक्टर पूरी तरह से जानकारी रख रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं ट्रंप को, हर एहतियातन कदम उठाया जा रहा है। और आपको बता दें कि अमेरिकी निजी सहायक के कुलीन सैन्य इकाई के सदस्य होते हैं, जो कि राष्ट्रपति और जो भी बड़े फैमिली हैं, जो भी राजनीतिक परिवार हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनके काफी करीबी होते हैं। तो ये जांच का विषय है।